Hello and welcome to Pakistan on a Plate. My name is Niloufar Afridi Kazi. We've arrived in KP through the Margala Hills in the Khanpur area. In this historic Indus civilization area, you have the beautiful Buddhist monasteries all around us, reminding you Kachnaar's 6,000 years of history. Legend has it that Lord Vishnu, somewhere around here, proposed to Parvati while she had a Kachnaar in her hair. Isn't that a beautiful thought? Even more divine while looking at the Khanpur Lake. Hamare saath Lily Aslam hain jo hame aaj Kachnaar Ghosh sikhayengi. पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो कचनार गोश्त की रेसिपी है आपको किसने सिखाई? ये हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं. कचनार हैज़ बीन हमारा एक सीजनल डिश जो मई एंड अप्रैल मई में होता है. इसका फूल और बड और बड़े शौक से खाते थे एज चिल्ड्रन. बच्चे जब हम छोटे थे हमें याद था कि ये बड्स की तरह लगते थे, फूलों की कलियों की तरह. तो वो हम फैसिनेशन के साथ है, बड़ा शौक से इंजॉय करते थे. अक्सर गोश्त और दही में पकता है और अम्मी से सीखा है ये मैं. आपने हल्की आंच पे मीडियम हीट पे पैन को रखना है. गर्म होने से पहले आप उसमें आधा कप तेल डालें. मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और हल्का तेल है और पकने में इसका जायका नहीं होता. और ऑलिव ऑयल में मैं उसी वक्त दो मीडियम अनियंस को चॉप करके डाल रही हूँ. 10-15 मिनट के लिए पकने दूंगी, हल्की आंच पे ढक्कन रखे कि वो गल जाए. 2 किलो कचनार लेके इसको मैंने 2 लीटर पानी को उबाला. जैसे प्याज गल ब्राउन होने लगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, मैं इसमें अदरक पहले डालूंगी 2 सेकंड के लिए. इसी में मैं अभी लहसुन भी डाल रही हूँ. 1 टेबलस्पून लहसुन डाला है. लहसुन और अदरक जब हल्का सा लाल हो गया तो उसमें फिर मैं धनिया 1 टेबलस्पून डालूंगी. उसके साथ मैं लाल मिर्च 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और हल्दी 1/2 चम्मच. और इनको मैं थोड़ी देर के लिए भुनूंगी इसी प्याज के मिक्सचर में. अच्छा, मसाला जैसे तैयार होगा, मसालों की खुशबू आएगी 30 सेकंड के लिए. आप उसमें टमाटर, मैंने 2 टमाटर चॉप करके डालें. मैं इसमें 1/2 कप पानी का डालूंगी. पानी डाल के इस पर हल्की आंच पे ढक्कन रख दूंगी कि वो छोटा गोश्त, क्योंकि मैंने तैयार किया हुआ है, इसको 1.5 घंटा लगा. जैसे मेरा मसाला तैयार होगा मैं इसमें अभी ये गोश्त ट्रांसफ़र करूंगी. मैं इसमें नमक डाल रही हूँ. अभी इसमें मैं उबला हुआ गोश्त डालूंगी. इस वक्त गोश्त जो है बिल्कुल मिक्स हो गया है. अब इसमें मैं अभी डालूंगी कचनार. इसमें मैं 1 कप दही अभी डालूंगी और उसके साथ आप देखें ये इतना डिफरेंट और मुख्तलिफ लगेगा.
पाँच मिनट मैंने इसको छोड़ा है, इसको साथ पकने के, अभी इसकी खुशबू इस बहुत ही मज़ेदार है। कचनाल इज़ रेडी, तैयार हो गया है, अभी हम इसको प्लेट कर चुके हैं, अभी हम बैठ के इसको इंजॉय करेंगे, खाएंगे, और प्लीज़ इस रेसिपी को आप ट्राई करें, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगे। अभी नीनो आपने इस डिश को ट्राई करना है, ये हमारे घर का टिपिकल कचनाल का डिश है, और मुझे बताओ कि कैसा है। बिल्कुल ठीक। इस एपिसोड के लिए आज हमारा टाइम ख़त्म हुआ, अगली बार तक शुक्रिया और खुदा हाफिज़।